नमस्कार। जैसे गांव की पहचान खेत, नदी और नहर से होती है, वैसे ही राशन की दुकान भी गांव की पहचान कराती है। जहां लोग लाइन में लगते हैं, सस्ते दर का अनाज लेते हैं। राशन की दुकान से हम सबकी यादें जुड़ी हैं। कभी आता था, कभी नहीं आता था, और कभी तो यूं होता था कि हमारी बारी आने तक राशन खत्म हो जाता था, और कभी कभी सुनते थे कि राशन ब्लैक हो गया। लेकिन अब वक्त बदल गया है। आइए आपको लेकर चलते हैं राशन की दुकान पर, आधुनिक राशन की दुकान पर चलें। ये जो राशन की दुकान आप देख रहे हैं, ये है नए दौर के राशन की दुकान, डिजिटली कनेक्टेड और फुल्ली मॉनिटर्ड। पहले हमें बहुत परेशानी होती थी राशन लेने में, क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी होती थी और कभी नंबर भी आता था तो राशन खत्म हो चुका होता था। और अब 5 तारीख से 15 तारीख के बीच जब भी हमारे पास टाइम होता है, हम फ्री होते हैं तो आके राशन ले लेते हैं। अब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जैसे ही राशन आपूर्ति का ट्रक गोदाम से निकलता है, उसे हर कदम पर ट्रैक किया जाता है, और फिर जैसे ही वो ट्रक राशन की दुकान पर पहुंचता है, लाभार्थियों को उसकी खबर हो जाती है। पहले माल आता उसका भी बहुत से लोगों को पता नहीं होता था। एक डीलर अपने हिसाब से वितरण करता और उसका कोई टाइमिंग नहीं होता था। सरकार ने फिक्स टाइम कर दिया, उसका PDS वीक बनाया, उपभोक्ता सप्ताह बनाया, और उसके अंदर एक निर्धारित टाइम के अकॉर्डिंग मॉर्निंग टू इवनिंग में कितना वितरण किस हिसाब से करना है उसका टाइम फिक्स किया। वो राशन जिस पे मिलने वाली सब्सिडी का 90% से ज्यादा हिस्सा केंद्र सरकार वहन करती है। और बदलाव सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है। आगे राशन कार्ड में जो लेक्चर दी थी हमारे साथ दिया नहीं, राशन नहीं किया। पहले तो लिखित में काम चलता था, तो अब ऑनलाइन सिस्टम जब से शुरू हुआ बहुत अच्छी सुविधा मिली सरकार ने दी है। बहुत बढ़िया काम है ये। पब्लिक को कोई कठिनाई नहीं आती, ना हमारे को देने में कठिनाई आती है। देखिए ना, लोग कितने आराम से लाइन लगा के राशन ले रहे हैं। ना कोई भीड़ भाड़, ना धक्का मुक्की, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके हिस्से का राशन उन्हें ही मिलेगा। याद है आपको राशन कार्ड बनवाने को लेकर कैसी भागा दौड़ी होती थी? और अब हम अपने पास के दुकान पे किसी भी कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं और हमारा फॉर्म हाथों हाथ हमें ऐसा मिल जाता है, हमारा फॉर्म हाथों हाथ अप्लाई हो जाता है। जब मैं छोटा था तो पिताजी के साथ राशन लेने जाता था। गांव में 2 राशन की दुकानें थी, हमारी वाली थोड़ा दूर थी, लेकिन हमारी मजबूरी थी क्योंकि कार्ड तो उसी दुकान का था। पहले अपनी दुकान पर से राशन लेते थे, काफी भीड़ का सामना करना पड़ता था। अब नगर में अच्छी सुविधा हो गई है, जो हम दुकान हमारा बंद भी रहता है तो हम कहीं भी किसी भी दुकान से राशन ले सकते हैं। डिजिटल ने तो कहावत ही उल्टी कर दी, अब कुआं प्यासे के पास जाता है। मेरा नाम मंजू जिलोटा है, मेरी दोनों टांगों का ऑपरेशन हुआ हुआ है, मैं चल नहीं सकती, तो इसलिए डिपो वाले मशीन लेके हमारे घर आते हैं और अंगूठा लगवा के जाते हैं और फिर मुझे राशन दे के जाते हैं हर महीने। NFSA में ये व्यवस्था है कि राशन कार्ड में परिवार की मुखिया उसी परिवार की 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिला को बनाया जाता है। इससे एक तो परिवार में राशन का पहुंचना सुनिश्चित होता है, दूसरे महिला सशक्तिकरण के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। महिलाएं बहुत गर्व से परिवार के मुखिया की भूमिका निभाती है। इतनी शानदार व्यवस्था के बावजूद किसी को शिकायत भी हो सकती है, लेकिन बदलाव की इस लहर में शिकायत दर्ज करने और शिकायत निवारण की भी बेहतरीन व्यवस्था है। भाई किसी को शिकायत हो तो 1967 पर फोन कर सकते हैं, DGRO भी जा सकते हैं और फिर स्टेट फूड कमीशन भी जा सकते हैं। गांव के ही लोगों को शामिल करके एक कमेटी बनाई गई है जो गांव के राशन की दुकान के पूरे कामकाज पर निगरानी रखती है। महीने में एक बार सतर्कता समिति आती है जिसमें सरपंच मोदी साहब भी आते हैं, वार्ड मेंबर साहब आते हैं, एक सरकारी कर्मचारी आता है। वो पूरी गेहूं की क्वालिटी को देखते हैं, संतुष्टि होने के ऊपर ही हमारे जो रिकॉर्ड पे वो सिग्नेचर करते हैं। इसके अलावा गांव में नियमित तौर पर सोशल ऑडिट भी होता है। इस नए सिस्टम में मोबाइल ऐप के जरिए या कंप्यूटर के जरिए राशन की दुकान के कामकाज पर नजर रखी जा सकती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गेहूं ऐप से गोडाउन से जाता है, उसको उसी पे निगरानी कर सकते हैं। वहाँ बैठे बैठे हम लोग कंप्यूटर या मोबाइल ऐप से देख सकते हैं कि गेहूं गंतव्य स्थान पर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, या कहीं डाइवर्जन तो नहीं हो रहा है। जब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ, मैं अपने लेवल पे भी अपने ऑफिस पे बैठ के सिस्टम कंप्यूटर पे चेक कर सकता हूँ कि किस बेनिफिशियरी ने राशन ड्रॉ कर लिया है, पहली चीज। दूसरी चीज,
किस डिपो धारक ने राशन कितना बांट दिया है वो भी मैं चेक कर सकता हूँ अपने ऑफिस में बैठ के। तीसरी चीज़, जो राशन बचेगा वो नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ राशन की दुकान का संचालन एक महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप करता है। ये महिला एसएचजी अपनी राशन की दुकानों में राशन के अलावा रोजमर्रा की जरूरत का बहुत सारा सामान रखते हैं। अब इन दुकानों से आपको साबुन, मोमबत्ती और ऐसी ही बहुत सारी चीजें उचित दामों पर मिलती हैं। लेकिन बदलाव का ये फायदा दुकानदार को भी हुआ है, रिकॉर्ड संभालने का झंझट खत्म। मशीन जब से भी आई है हमें इसका ये बेनिफिट है, हमें रिकॉर्ड रखने की लोड नहीं, कोई रजिस्टर लगाने की लोड नहीं, जो इसमें दे दिया इसमें रिकॉर्ड है ही। राशन कब आएगा, कितना आएगा ये तय हो गया और POS से ये भी पता चल जाता है कि राशन आया कितना। दुकानदारों का कमीशन भी बढ़ा है। पहले कमीशन तो कम था, अभी कमीशन ज्यादा है, इसलिए इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ गया। और इनमें से कई ने अपनी ही दुकानों में CSC सेंटर भी खोल लिया। यहीं से राशन कार्ड बनवाओ और यहीं से राशन ले लो। अब ये राशन की दुकानें मल्टीपर्पज दुकानें हो गई हैं और दुकानदार राशन के अलावा और भी काम कर सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अब पूरे देश की बहुसंख्यक जनता को राशन का खाद्यान्न मिल रहा है, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ। डिजिटाइजेशन ने आंकड़ों की व्यवस्था बेहतर की है तो नीति निर्माताओं का काम भी आसान हुआ है। राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर जो आंकड़े जमा किए जाते हैं उनसे विश्लेषण किया जाता है और फिर सही और सटीक नीतियां बनाने में मदद मिलती है। सच कहें तो ये NFSA कमाल की चीज है। गांव वालों को वक्त पे उनका राशन मिल रहा है तो उन्हें अपने बारे में, परिवार के बारे में, समाज के बारे में सोचने का वक्त मिल रहा है। राशन सिर्फ पेट नहीं भरता, ये गांव की तकदीर बदल देता है ना।